हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ पहाड़ी किचन। आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उत्तराखंड की फेमस रेसिपी, जो है हमारी पटकी चुकोड़ी। इसे हमारी कुमाऊं स्टाइल में बनाएंगे आज हम। तो अब स्टार्ट शुरू करते हैं। हमें पटकी चुकोड़ी बनाने के लिए हमें सरसों का तेल चाहिए। हम सरसों का तेल डालेंगे इसको। अब तेल गर्म हो गया है हमारा। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। सबसे पहले जीरे का तड़का लगेगा इसमें। जीरा डालने के बाद हमने इसमें प्याज डालना है, चॉप प्याज जो हमने काटा था। प्याज को बढ़िया से हम भून लेंगे। और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, इससे क्या होगा प्याज जलेगा नहीं जल्दी। हमें ब्राउन करना है लाइट एकदम। हमने भट लिए थे, भट को हमने धो लिया। धोने के बाद हमने इसे एक सूखे कपड़े से पोंछा। प्याज ब्राउन होगा जब लाइट, उसके बाद हमने इसमें भट डालना है सबसे पहले, क्योंकि भट जो है इसको उबाला नहीं जाता और दालों की तरह, इसको भुना जाता है, भुन के बनाई जाती है दाल। कुमाऊं स्टाइल में है ये दाल पटकी चुकोड़ी। चलिए, हमारा प्याज लाइट हो गया है, ये इसके साथ भट के साथ पकेगा। फिर को भी हमें बढ़िया से भूनना है एकदम, ये तो आटा कच्चा रह जाएगा तो इसकी मुंह पे लगेगा। फिर ये तो बढ़िया से भूनना आटे को, जितनी बढ़िया भुनेंगे उतना बढ़िया बाद में स्वाद आएगा। तो ब्राउन करना है हमें, उसकी खुशबू एकदम बढ़िया आ रही है। अभी तो बस स्टार्ट हो रहा है बनने। अभी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, आटा भून चुका है। आटा भूनने का हमें इसमें ऐड करना है, देखिए देख सकते हैं आप, एकदम बढ़िया हो चुका है। देखिए हमने इसमें ऐड करना है हमारी चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, इसके लिए हमें गार्लिक ज़्यादा ज़्यादा डालना है। जिंजर भी, ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर लिया हमने इसमें सब कुछ। हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे। मसाले डालेंगे हम इसमें अपने, नमक, हल्दी, मिर्ची, देगी मिर्ची और धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसे मसाले को भूनेंगे। मसाले को भूनते हुए थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे हल्का,
ताकि ये नीचे लगे ना कढ़ाई में। टमाटर ऐड करेंगे अब, सब ऐड करने के बाद हमें इसे मिक्स करना है बढ़िया से। अब इसमें हम वाटर मिलाएंगे और गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे। चलो वैसे एक उबाल आने देंगे हम इसमें, तब तक हम इसे कवर कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हल्की हल्की पक रही है, तो इसका कलर भी चेंज हो जा रहा है क्योंकि ये लोही की कढ़ाई में बन रही है। लोही कढ़ाई का अपना एक स्वाद होता है। इसमें जो सरसों का तेल डाला है, पाड़ी खाने की जो स्वाद है पाड़ी खाने में, सरसों का तेल लोही की कढ़ाई का ही स्वाद है। और इसमें अलग अलग जो ये आटा डाला है, आपने कहीं और नहीं देखा होगा कि आटा डलता है दाल में किसी, लेकिन उत्तराखंड की ये खासियत है। देखिए आप, दाल पक चुकी है। अब प्लेटिंग के लिए रेडी हो गई है। चलिए अब प्लेटिंग करते हैं, गैस को बंद करते हैं, अब प्लेटिंग करते हैं। हमने चावल, प्याज, हरी मिर्ची और खीरा सजा लिया है प्लेटिंग के लिए। इसमें डालेंगे हम भटकी चुरपानी।